आप सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब ही है जो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि सभी की हेल्प करें कहीं भी, और वही एक इंसानियत का रिश्ता होता है। जहाँ मर्जी भी आपको कहीं किसी भी जगह पे किसी को हेल्प हो तो ज़रूर आप उनकी हेल्प करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आजकल बरसात का मौसम है, बहुत मतलब नुकसान हो रहा है, जगह जगह कहीं गाड़ियाँ गिर रही है, कभी कुछ हो रहा, सभी को नुकसान हो रहा है। तो इसी विषय में आज मैं एक बात भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में इंसानियत रह चुकी है, और सब इंसान पता नहीं क्यों दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, क्यों अपने अंदर की मतलब अच्छी भावना को खोते जा रहे हैं। पर फिर मैं यही एक अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, फिर उसी के ऊपर मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखो मैं तो वहाँ गई नहीं, पर फिर जो मैंने वीडियो देखी वो हकीकत ही थी। और मणि महेश यात्रा में एक जैसे बिजली का खंभा था वो गिरा, उसमें एक 13 साल की लड़की की डेथ हुई। उसकी जो मदर थी उनको गाड़ी में लाया गया बहुत बुरे हालात में, जिसके कान में भी ब्लड निकल रहा था और एक अंगूठा कट चुका था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ पे। तो मैं यही बोलती हूँ जो यात्रा पर जाते हैं सभी, पहले तो पता कर ले कि मौसम कैसा है और उसी हिसाब से घर से निकले, और साथ में आप दवाइयों का भी इंतजाम रखें अपने साथ, एक बॉक्स साथ हम सभी यात्री रखें। और एक केदारनाथ यात्रा जाते हैं, किन्नर कैलाश यात्रा जाते हैं, तो सभी अपनी मतलब यात्री सोच समझ के निकले, क्योंकि देखो जब हमारे अंदर इतने अच्छे विचार हैं, हम भगवान को पाने के लिए, भगवानों का दर्शन करने के लिए इतने दूर जा रहे हैं, तो हमारे अंदर अच्छी भावना भी होनी चाहिए। और मैंने आज जब वो देखी लेडीज़ की हालात, इतने बुरे हाल थे, कान में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, उनके मुंह से भी बहुत ब्लड आ रहा था, और कोई भैया थे 2-3 वो उनको लेके जा रहे थे, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। तो मैं यही बोलती हूँ क्या लेके जाना है इस दुनिया से, हम सभी को हेल्प करनी चाहिए और सपोर्ट करने चाहिए। यात्रा तो चलो 7 दिन बाद 1 दिन बाद भी हो जाएगी, पर उनको उस टाइम बहुत कम हेल्प मिल पा रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि अब हम ऊपर पहाड़ियों पर पहुँचे, अपने दर्शन करें, दर्शन वो है परीक्षा थी वो उन लोगों की, कि वो उनकी कुछ हुआ है, उनको एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड से लोगों को बुरे हाल हो गए वहाँ पे, पर कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे थे, पर दो तीन भैया थे उन्होंने हेल्प की। तो मैं उनके लिए दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू भैया। ऐसे बेटे सभी माँ बापों को मिले जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, थैंक यू सो मच भैया आपका। और भगवान से दुआ करती हूँ जो महिला थी बेचारी उसकी वो बच जाए, उनकी बेटी का सदमा तो उनको लग जाएगा बहुत ज़्यादा, कि किसी के बच्चे की डेथ तो होनी नहीं चाहिए, बड़ा दुख हुआ मुझे। और सभी की इंसानियत की मतलब इंसानियत ना छोड़े, सभी हेल्प करें एक दूसरे की, कहीं भी जाते हैं तो मान लो हम अपने ड्यूटी जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो रास्ते में हादसा हो जाता है, तो सभी की हेल्प करनी चाहिए। हो सकता है भगवान ने आपको उसी काम के लिए सामने रखा हो, पर ये कि मतलब मेरे को बड़े वो हुआ। और आपका क्या कहना है आप सभी मुझे कमेंट करके बताना, कि देखो यात्रा पर जाते हैं तो भगवान को पाने के लिए जाते हैं, वो एक सेवा दे देते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती है तो आप उनकी सभी हेल्प करें और वहाँ से दूर ना भागें, वहाँ से हो सकता कि आपके साथ भी ऐसा हादसा हो जाए। और पहले बात तो यहाँ ऐसे मौसम में जब देखा है कि बरसात है, पहाड़ियाँ गिरती हैं, तो नहीं घर से निकलना चाहिए। और प्लीज़ सभी एक दूसरे की सपोर्ट करें, हेल्प करें। फ्रेंड्स, आप कुल्लू मनाली की तरफ आते हैं, प्रशासन ने मना किया है कि कोई भी बाहर से ज़्यादा ना आए, आते हैं तो गाड़ी को स्लो चलाएं और समझदारी से गाड़ी को चलाएं। और पता नहीं ये क्या बोल सकते हैं कि किसकी क्या गलती हुई, कल एक गाड़ी ने
23 वर्षीय लड़का और 23 वर्षीय ही लड़की मतलब शादी के बाद पहली बार घूमने आ रहे थे कुल्लू मनाली के लिए, नए न्यू कपल थे। तो दोनों का एक्सीडेंट एक गाड़ी ट्रक से हुआ और वो मौके पे उनकी डेथ हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ उस बात का। किसी भी यात्रा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यहाँ बांके बिहारी मंदिर में भी बहुत भगदड़ मची। वहाँ पे भी लोगों ने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, इतनी अच्छी जगह, इतनी सच्ची जगह जहाँ पे मतलब भगवान का घर है, वहाँ भगवान की बसते हैं, उस जगह में भी मतलब अब मेरा मेरा कर करके मतलब लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा और अपने बारे में ही सोचा। वहाँ भगदड़ में 2 श्रद्धालु की भी डेथ हो गई। किसी का घर के चिराग थे, किसी के पापा थे, किसी के बेटे थे, वो उनके डेथ हो गई। बड़ा दुख हुआ उस बात का भी। मतलब ये मेरा ये कहने का मतलब है कि इस दुनिया में इंसानियत को सोचो, अपने बारे में ना सोचो। भगवान तो घर बैठे ही मन मन में होते हैं और हम दूर जाकर क्या कर सकते हैं। मतलब ये है कि इंसान बहुत मतलबी हो चुका है, अपने बारे में ही क्यों सोचता जा रहा है, हमेशा दूसरे के बारे में भी सोचें।